जो धर्म है वो अफीम की तरह है। आप किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पे खूब पीटो, मंदिरों में मत जाने दो, मजदूरों को ठेकेदारी पे नौकरी कराओ, उनको पगार मत दो, खूब अत्याचार करो। उत्तर प्रदेश में उन्होंने धर्म के नाम पर, उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा सीटें कम हुई हैं, और दूसरी बात वोट परसेंटेज कम हुआ, इनके तीन जगहों पर तो इनके अपने मुख्यमंत्री भी हारे। माता है जिसकी कृपा इनके ऊपर बनी हुई है, ईवीएम माता की, तो ईवीएम माता ने इनको आशीर्वाद दे दिया, तो और कुछ बेईमानी भी इन्होंने करी है, उन पे अपने ही वोट डलवाए इन्होंने, चारों तरफ से बेईमानी की और उस पे धर्म का तड़का लगा दिया, तो इसलिए ये जीत गए। एक बेशरम सरकार है, कोयला मजदूर भी पूरी तरह से मैदान में है, रिक्शे वाले मैदान में है। जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है वो लाई गई है, आई नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मजदूर वर्ग है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें उखाड़ी हैं, इसको भी उखाड़ेगा। तो अब इन्होंने जो ये चार लेबर कोड बनाए हैं, उन कोड को इन्होंने 29 जो लेबर कानून थे जिसमें आईडी एक्ट था, मिनिमम वेजेस एक्ट था, जिसमें और दूसरे ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट थे जिसमें बोनस, ग्रेजुटी, मजदूरों के जीवन के जुड़े हुए तमाम कानून थे, जो रिटायरमेंट के बाद इनको ESIP वो मिलता था, इनको प्रोविडेंट फंड मिलता था, ग्रेजुटी मिलती थी, दूसरी सुविधाएं, पेंशन मिलती थी, तो सब कानून 29 कानून खत्म करके इन्होंने चार कोड बना दिए हैं, और वो सब खत्म करके इनकी 12 घंटे नौकरी कर दी है। कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, ये बिल्कुल गुलामों की तरह काम करें, और इसीलिए सरकार इनको परमानेंट नहीं कर रही है। ये इतना लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो TMR हमारे वर्कर हैं, टेम्परेरी मस्टॉल पे काम करते हैं, इनके देखो उम्र देखो, ये 15-15, 20-20 साल से टेम्परेरी काम कर रहे हो, 89 डेज का आप इनको वो देते हो, मस्टॉल देते हो, ये क्या करेंगे, क्या कहाँ जाएंगे। दूसरी बात ये कि कानून में आईडी एक्ट में जिस आईडी एक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं उसमें 240 डेज वन कैलेंडर ईयर में अगर लगातार काम कर लिया तो कर्मचारी ऑटोमेटिक रेगुलराइजेशन का हकदार होता है, और अगर दो ब्रेक से तीसरा ब्रेक अगर सेम कर्मचारी को दे दिया तो कर्मचारी ऑटोमेटिकली रेगुलराइजेशन का हकदार होता है। ये हमारा आईडी एक्ट है जिसको ये ख़त्म कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि गुलाम की तरह काम करें, और NDMC में जहाँ हजारों कर्मचारियों की रेगुलर नौकरी है उसको इन्होंने सारे डिपार्टमेंट बंद करके खाली हेल्थ का एक डिपार्टमेंट, एजुकेशन का शुरू करके इनको रखा हुआ है। अगर वो सारे डिपार्टमेंटों में खोल दें तो ये इससे भी डबल, और उनको नए लोग भर्ती करने पड़ेंगे। और NDMC ऐसा नहीं कि कोई गरीब संस्था है, NDMC इस देश की सबसे मालदार संस्था है, बैंकों में भी ओवरफ्लो उसका पैसा है, क्योंकि जो ये नई दिल्ली का इलाका है सारे मालदारों का इलाका है, हाउस टैक्स ही उनको इतना आता है कि उनको संभाले नहीं समझता, करप्शन दुनिया भर का है, लेकिन मजदूरों को नौकरी, इनको काम नहीं देंगे, पक्की नौकरी नहीं देंगे। तो हमारा ये जो सवाल है, एक तो लेबर, जो चार लेबर कोड हैं खास तौर पे उनको वापस करवाने के लिए हमारी लड़ाई है, और जो निजीकरण के माध्यम से ठेकेदारी बढ़ा रहे हैं, और जो निजीकरण के करके ये जो पक्की नौकरियों को कच्चा कर रहे हैं उनको, उनके विरुद्ध हमारी लड़ाई है, और महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को लेकर के आज हम यहाँ पर तमाम पूरे देश का मजदूर, चाहे बैंक का हो चाहे रेलवे का हो, क्योंकि रेलवे भी इन्होंने बेचने का तकरीबन सब कर दिया। देखो पहली बार ऐसा मौका हो रहा है इस देश में कि रेलवे स्टेशन भी बेचे जा रहे हैं एक एक लालाओं को, जैसे अंग्रेजी, आपको पता है अंग्रेजी राज में इसी तरह अंग्रेजों ने रेलवे जब बनाई थी तो उन्होंने एक एक स्टेशन सेम यही किया था, एक एक स्टेशन तक भी पटरियां भी बिक रही हैं। बताओ आपने भी एक नई चीज़ बताई है, पटरियां भी बिक रही हैं। और देखो जो हमारा एयर इंडिया बेचा है, जिस टाटा से भारत सरकार ने आज़ादी के बाद इसको एयर इंडिया बनाया है, और उस एयर इंडिया को इन्होंने दोबारा उसी टाटा को दे दिया इन्होंने, और देखो मजे की बात यह कि उसका राजस्व जो 3-4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी थी, इतने जहाज थे हमारे, मोदी जी ने 2 जहाज अपने लिए विशेष विमान खरीदे 20,000 करोड़ के, और आपको अफसोस होगा कि 18,000 करोड़ में, टोटल 18,000 करोड़ में पूरा एयर इंडिया बेच दिया। हमारे 150 से ज़्यादा जहाज थे, इतने सारे हमारे एयरपोर्ट थे, सब बेच दिया, टाटा को दोबारा दे दिया, और वो भी उधार दिया है, वो भी जिस बैंकों में आप पैसा रखते हैं अपने, SBI में या मल्टी, जो अपने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पैसा रखते हैं उसी से उसको लोन दिया जाएगा, कोई राजस्व भी नहीं आना है भारत सरकार के पास। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके लिए आज पूरे देश का मजदूर आज उतरा मैदान में, और सरकार से मांग करेंगे कि एक तो पक्की नौकरियां खोलो, निजीकरण खत्म करो, और जो चार लेबर आपने ये संहिता बनाई है, कोड बनाए, इनको वापस करके हमारे 29 कानून वापस रिइंस्टेट। काल मार्क्स को आप जानते होंगे, दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि जो धर्म है वो अफीम की तरह है। आप किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पे खूब पीटो, मंदिरों में मत जाने दो, मजदूरों को ठेकेदारी पे नौकरी कराओ, उनको पगार मत दो, खूब अत्याचार करो,
वो उसको रोते रहेंगे हमेशा, लेकिन जैसे ही धर्म का तड़का लगा देंगे वही पीटने वाले लोग, वही अत्याचार करने वाले जैसे ही धर्म का नारा दे देंगे, तो वही जो व्यक्ति में पीड़ित है, जो रो रहा था कि मेरी नौकरी पक्की नहीं हो रही है, जो रो रहा था कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, जो रो रहा था कि मुझे मंदिर में नहीं जाने देते, वो तुरंत खड़ा होकर फिर दोबारा उस धर्म का झंडा उठा लेगा। यही उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में उन्होंने धर्म के नाम पर अपने आप को कर लिया एक एक धर्म के खिलाफ बोल के, और उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर। और दूसरा, सफलतापूर्वक नहीं, आप आंकड़े देखो, उत्तर प्रदेश में 70 से ज़्यादा सीटें कम हुई हैं, और दूसरी बात वोट परसेंटेज कम हुआ, वोट शेयर कम हुआ है, और तीसरी बात ये कि इनके 3 जगहों पर तो इनके अपने मुख्यमंत्री भी हारे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी विक्ट्री है। जनता और जो इनके माता है, एक ईवीएम माता जिसकी कृपा इनके ऊपर बनी हुई है, ईवीएम माता की, तो ईवीएम माता ने इनको आशीर्वाद दे दिया, उससे ले लिया इन्होंने आशीर्वाद, क्योंकि माता तो इन्हीं के ठेकेदार है ना भगवानों के, तो एक ईवीएम माता भी इन्होंने पैदा कर ली। तो और कुछ बेईमानी भी इन्होंने करी है। तो और दूसरा, जो जो आपके वैलेट पेपर थे, जो जो सरकारी कर्मचारियों को, या और इस बार इन्होंने और क्या बेईमानी करी जिस पे नज़र नहीं जा रही है, इन्होंने बुजुर्गों को कहा कि 70 साल से बुजुर्गों के घर जाके वोट करवाएंगे, तो खुद ही गए और खुद ही अपने आप वहाँ मोहर लगा ली अपने आप ही, उन पे अपने ही वोट डलवाए इन्होंने। और सरकारी जो आर्मी वाले या अर्धसैनिक बल थे उनको भी डराया धमकाया गया, और उनके अफसरों ने कहा इन्हीं को उसको वोट आए। तो इन्होंने चारों तरफ से बेईमानी की और उस पर धर्म का तड़का लगा दिया, तो इसलिए ये जीत गए। देखिए, ये सरकार बिल्कुल एक बेशरम सरकार है, और ये पूंजीपतियों की पूरी समर्पित सरकार है पूरी तरीके से। इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये हमारा संकेतात्मक है कि 2 दिन पूरे देश का मजदूर कागज से लड़ रहा है, और पहली बार ऐसा हो रहा बहुत साल बाद कि कोयला मजदूर की महिलाएं भी मैदान में हैं। ये खबरें आ रही हैं, कोयला मजदूर भी पूरी तरह से मैदान में है, रिक्शे वाले मैदान में हैं, तमाम लोग, करीब देश का 90% मजदूर, खेत मजदूर भी मैदान में आज इस हड़ताल में। 2 दिन की इस हड़ताल को पूरा चल रहा है दिखाने को मजबूर है, तो ये एक संकेतात्मक है। 2 दिन अगर ये बाज नहीं आए तो किसानों की तरह पूरे देश का मजदूर भी इसी तरह पूरे देश को बंद करेगा अनिश्चितकालीन, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। इन मनुवादी पूंजीवादियों को हम इस देश से खदेड़ के मजदूर वर्ग की सत्ता कायम करेंगे, ये हमने ऐलान किया है। आप सरकार पर लगातार तोहमत लगा रहे हैं, लेकिन ये तोहमत का असर कहाँ हो रहा है? 5 राज्यों में के चुनाव में से 4 पे जीत गई, 1 राज्य में दूसरी पार्टी जीती है। आप कह रहे हो कि इनकी एक ईवीएम माता है जिसके लिए ये जीत गए। ईवीएम माता दूसरे राज्य में भी तो बनी है, एक दूसरे राज्य की छोटी पार्टी की सरकार बना दी पंजाब में, तो आप इसको ईवीएम माता को दोष क्यों दे रहे हैं फिर? देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो, छोटी पार्टी की, वो कह रही थी हम उत्तराखंड में भी सरकार बनाएंगे, वो कह रहे थे उत्तराखंड में, तो बन गई आम आदमी पार्टी की सरकार, पहले से हल्ला मचा रहे थे। मगर आपको पता है एक एक विधानसभा पे 12-12 वोट मिले उस पार्टी को। आप ये देखिए, सरकार में सेंसेस देखिए, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है वो लाई गई है, आई नहीं है। उससे पहले जो कांग्रेस में सिद्धू जी ने अपने ही उसके ऊपर कांग्रेस का को फेल करने की कोशिश, पूरा प्रयास किया, पूरे सफल रहे उसमें। और दूसरा, बीजेपी को पता था कि यहाँ पर हम विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस ही विकल्प नहीं होती तो वहाँ अकाली दल विकल्प होता है। तो इसीलिए बीजेपी ने इस पार्टी को जिताया है, ईवीएम से जिताया है, पूरे हथकंडों से जिताया है, और पूरे पूरे राज्यों में और दूसरी जगहों पर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिला? उत्तराखंड में क्यों नहीं मिला? गोवा, जहाँ गोवा में ऑलरेडी अपनी धमक जमा चुके थे, वहाँ पर इनको बुरी हालत हुई है इनकी, वहाँ पर जाकर के देखो क्या हालत हुए हैं। इन्होंने जो घोषित किया था मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, वो भी हार गया, तो और जगहों पर क्यों नहीं इनको वोट मिले जी? इसको ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों भाई भाई हैं। और कांग्रेस को और उन शक्तियों को, जो शक्तियां मजदूरों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उनको इस देश से बिल्कुल हटाना है। तो इसीलिए ये दोनों भाई भाई हैं, इसमें कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, इसको जिताया गया है। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।